नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट। आज बात बीजेपी और कांग्रेस के दावों की। मैं हूं अपर्णा मौजूम। नतीजों से पहले दोनों ही तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन जनता के जनादेश से पता चलेगा किसके वादों में कितना है दम और किसका टूटेगा भ्रम। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर जीत का दावा किया, साथ ही दावा किया कि इस बार प्रदेश में ऐतिहासिक जीत वो हासिल करेगी। बीजेपी का 10% ज्यादा वोट बढ़ाने का संकल्प भी पूरा होगा। वहीं कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा कि नतीजों से पहले हर बार बीजेपी का यही राग रहता है, वो यही कहती है प्रदेश में हो रहे घोटालों और कानून व्यवस्था पर बीजेपी बोलने को क्यों तैयार नहीं है। जून की ताल, किसका प्रदर्शन बेमिसाल। आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीते। 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। बयान पर बयान, नतीजों से पहले घमासान। रिजल्ट खुला नहीं है और वो जीत गए, चुनाव परिणाम आया नहीं है वो जीत गए। दावों में कितना दम, टूटेगा किसका भ्रम। 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठ, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव। हर बार की तरह जैसी बातें करते थे वैसे ही बातें उन्होंने इस चुनाव में भी के बाद की है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही दावों का दम दिखने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों और वादों में सच्चाई है उसका भ्रम रिजल्ट के बाद टूट जाएगा। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट इसी पर। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहा है, लेकिन एग्जिट पोल से कांग्रेस ने बना ली है दूरी। यानी देशभर में कांग्रेस की तरफ से एग्जिट पोल की डिबेट में कोई प्रवक्ता शामिल नहीं होगा, ना ही कोई इस मसले पर बाइट देगा, ये कांग्रेस ने साफ कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। अब किसकी जीत होगी किसकी हार, ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन वक्त अब हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट के सवालों को देख लेने का। आइए देखते हैं वो कौन कौन से सवाल है, जनादेश में किसकी चमकेगी किस्मत। बात करेंगे समीकरणों की, कांग्रेस ने आखिर क्यों किया है एग्जिट पोल से किनारा, इस पर भी बात होगी। किसे है हार का डर, जीत का दावा लेकिन क्या मन में है हार का डर, इस पर भी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की आज की महाडिबेट में। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, वरिष्ठ पत्रकार हैं सौरभ सचान जी, और थोड़ी ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे बतौर राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी भी, और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता के भी जुड़ने का हमें इंतजार है। लेकिन पहले सौरभ जी मैं आपके पास आ रही हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने, वीडी शर्मा उसमें थे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि देखिए 29 की 29 जो हम चुनाव से पहले कह रहे थे उस दावे पर अभी भी हम अड़िग हैं, और 10% वोट बैंक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता चले थे वो हम हासिल करेंगे, 4 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या लगता है आपको इस दावे के पीछे का आधार, और आपको लगता है कि यह अचीव कर पाएगी बीजेपी? हमेशा चुनाव के लिए रेडी रहती है और चुनाव में उसकी मेहनत देखकर ऐसा लगता है कि विपक्ष की हर लड़ाई में कमजोर है, उसकी मेहनत बीजेपी की देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी भी इग्नोर नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के दावों में दम तो है, क्योंकि उनकी बढ़ेगी और साथ में वोट परसेंट भी बढ़ेगा। सौरभ जी आपका सिग्नल फ्रीज हो गया है, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे। मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास ही चलती हूँ। डॉक्टर व्यास, क्या है आधार इस दावे के पीछे? देखिए अपर्णा जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। दूसरा जो है दावा नहीं है, हमारी तो गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले ही दिन खड़गे जी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार, और हमने मध्य प्रदेश में कहा था कि पहले ही दिन चुनाव घोषित होने के पूर्व में कि हम जो है 2900 संसदीय क्षेत्र में जीतने का कार्य करेंगे।
अब उस आधार का उसका आधार यह है कि हमने जो धरातल पर आकर कार्य कराए, आम जन हितैषी योजनाएं चलाई है, उनका क्रियान्वयन कराए, तो जनता आज प्रतिसाद के रूप में अपने वोट को भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रदर्शित कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गारंटी दी गई थी, और गारंटियों की गारंटी, गारंटी पूरा होने की गारंटी, ये अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। अब दूसरी बात, अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो 1996 में लगभग 529 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 98 में 477 हो गया, 99 में 453 हो गया, 2004 में 417 हो गया, 2014 में 464, 2019 में 421, और अभी तो यही तय नहीं है कि 270 से ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। लगभग जो है हम 408 से 420 सीटों पे लड़ रहे हैं, उसके बाद में हम कह रहे हैं कि हम 370 सीटें जो है पूरे भारत में और लगभग 2900 सीटें जो है मध्य प्रदेश में, इन दोनों चीजों की गारंटी जो है हम प्रदर्शित कर रहे हैं। गारंटी प्रदर्शित कर रहे हैं आप लोग, लेकिन जो पहले दो फेज में वोटिंग कम हुई, और खास तौर पर अगर हम देखें कि महिला मतदाताओं के वोटिंग परसेंटेज पर भी असर देखने को मिला है, उस समय तो चिंता बढ़ गई होगी। क्या होता है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था निश्चित रूप से 46% था, 2019 में लगभग 57% हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी 303 सीट है अकेले जीत गई है और एनडीए के साथ में 353 सीट है। निश्चित रूप से हम आशान्वित है, जितना भी वोट गिरा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का लगभग 60% मतपत्र भारतीय जनता पार्टी के जो है हिस्से में आने वाले हैं। चूंकि मैंने पूर्व में भी कहा कि जिस तरह से हमने घरों का निर्माण करा, जिस तरह से शौचालयों का निर्माण करा, जिस तरह से जो उज्ज्वला कनेक्शन देने का कार्य करा, जिस तरह से किसान सम्मान निधि जो पूर्व में डॉक्टर प्रेम व्यास ये आप तमाम आपने उपलब्धियां आप गिनवा रहे हैं, और आप इससे पहले भी गिनवाते रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, मैं भी ग्राउंड पर थी करीब एक महीना के आसपास, जो मैंने देखा एमपी और छत्तीसगढ़ में भी, उपलब्धियों की बात एक तरफ, लेकिन आपके नॉन परफॉर्मिंग एमपीज का रिपोर्ट कार्ड एक तरफ, सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट मांगे गए, ऐसे सांसद जो दशकों से सांसद थे उसके बावजूद भी वो अपनी जनसभाओं में रैली में मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे थे क्योंकि उनके पास अपने गिनवाने के लिए कुछ नहीं था, क्या ये बात कही भी गई एक्सपर्ट्स की ओर से कि बीजेपी को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एमपीज रिपीट किए गए? देखिए, दोनों चीजें होती है। आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे जो सशक्तता है, हमारी जो सतर्कता है धरातल पर है, और जनता उसको जो है स्वीकारोक्ति के साथ में लेती। आप विपक्ष का एक नेता बता दीजिए घमंडिया गठबंधन का, जिसको जो है विपक्ष प्रदर्शित कर रहा हो पूरे चुनाव में, जो अपनी सीट से स्वयं भाग गए और जहां पर पहुंचे वहां से जो है लेफ्ट कह रहा है कि हम इनको हरा के भेजेंगे, वो अपनी गारंटी कैसे देंगे स्वयं? निश्चित रूप से हमारे सांसदों ने धरातल पर कार्य करा मध्य प्रदेश की 2900 संसदीय क्षेत्र में। मैं आपको एक एक सीटों का आकलन बता सकता हूं जहां पर हमने कार्य कराया, चाहे वो खजुराहो की बात हो, देवास की बात हो, उज्जैन की बात हो, इंदौर की बात हो, भिंड की बात हो, निश्चित रूप से हमने सभी क्षेत्रों में जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदत्त जो कार्य हमारे सांसदों ने उनको धरातल पर की बात कर रहे थे आप, 2 से 5 में तगड़ी फाइट, बल्कि 8 से 10 का भी आंकड़ा ये पहुंच गया था तगड़ी फाइट का। मंडला है, सीधी है, रतलाम, झाबुआ है, राजगढ़ है, यहां पर चिंताएं हैं? नहीं, देखिए, हमने कहीं पर भी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह से कार्य किया है। और अगर मंडला की बात करेंगे या एक और क्षेत्र की बात करेंगे, निश्चित रूप से वहां पर भी धरातल पर कार्य हुआ है। हमारे कार्यकर्ता जो है पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, बूथ प्रभारी के रूप में वहां पर मौजूद थे। जिस तरह से वोट गिरे, भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो निकल कर आया, जिसने पूरी आशा के साथ में नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रदर्शित किया है और अपने वोट का प्रयोग करा, तो हम आशान्वित है। ठीक है, मृणाल पंत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मृणाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता अपनी जी स्वागत है सर आपका। बीजेपी के प्रवक्ता अपनी पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठे हुए माफ कीजिएगा, उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास चेहरा क्या है उपलब्धियां गिनवाने के लिए होती तो जो वर्तमान सांसद है वो अपने काम के आधार पर वोट मांगते। इन सांसदों का असली रिपोर्ट कार्ड तो यह है कि इनमें से 10 ऐसे हैं जो अपनी सांसद निधि का पूरा पैसा भी अपने कार्यकाल में खर्च नहीं कर पाए। एक अकेला सांसद भी मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है जो अपने काम के दम पर वोट मांग रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांगने की स्थिति में आ गए। वो सांसद जो दो दो तीन तीन बार पहले संसद में जा चुके हैं, अपने क्षेत्र की जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, कितना उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर असफल साबित हुए हैं, इसकी साफ स्वीकारोक्ति इस बात पे की है कि अपने काम के आधार पे वो वोट नहीं मांग पा रहे।
पूरे देश में परिवर्तन की बयार है। कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि हम 16 सीटें इस बार मध्य प्रदेश में जीत के आएंगे। न सिर्फ केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के वोटर और जनता तंग आ गई है, बल्कि मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार की इस छोटे से कार्यकाल का भी जो जंगल राज आसपास दिखाई दे रहा है, जो घोर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, हाल ही में नर्सिंग का कितना बड़ा घोटाला सामने आया है, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार और रेप की घटनाएं नहीं हो रही, बेखौफ होके गुंडे और अपराधी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, इन सब चीजों को भी मध्य प्रदेश के वोटर ने देखा है और इस लोकसभा के चुनाव में इन सभी सम्मिलित मुद्दों पर मतदान होगा। मृणाल पंत जी, लेकिन आपने 16 के आसपास की सीट का ये आंकड़ा बताया है, ये बताइए कि 4 जून से पहले की तस्वीर साफ हो पाती, उससे पहले ही एग्जिट पोल से आप लोग क्यों एग्जिट कर गए? केवल एक कयास है, पार्टी का निर्णय अलग अलग राजनीतिक कारणों से होता है और हमारा स्पष्ट तौर पे मानना है कि प्रादेशिक मीडिया जब एग्जिट पोल करता है या चर्चा करता है तो उसमें तो फिर भी सत्य होता है, प्रिंट मीडिया जब करता है तो दोनों पक्षों को काफी हद तक लेता है, लेकिन इस बात से सार्वजनिक तौर पे कहने में हमें कोई बुराई नहीं है कि जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बायस्ड है, उसका नैरेटिव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने में लगा हुआ है और इसलिए हमने उस एग्जिट पोल का बायकॉट करने का या उसमें शामिल नहीं होने का प्रादेशिक मीडिया पर प्रादेशिक प्रवक्ता जो है वो बैठेंगे नहीं बैठेंगे जी? आप लोग जो प्रदेश प्रवक्ता हैं तो वो प्रादेशिक मीडिया पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? तारीख को बिल्कुल पूरी चर्चा में आपके साथ शामिल रहेंगे, लेकिन एग्जिट पोल पर जो निर्णय आया है वो एक निर्णय पार्टी का है और पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हमारी राजनीतिक निर्णय का सम्मान करें। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपकी पार्टी का दावा रहा 29 की 29 सीटें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे वीडी शर्मा को भी और सुन रहे थे आपके मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी, आपके पास सवाल लेकर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी जुड़ गए हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्क्रीन पर दिखाई देंगे जल्दी सौरभ दुबे जी। ठीक है तो डॉक्टर व्यास, बात यह है कि 10% वोट बैंक बढ़ाने की बात आपकी पार्टी की ओर से की गई है, दावा भी किया गया आज एक बार फिर, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह रही जहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता इस ओवर कॉन्फिडेंस में, कह लीजिए कि 400 पार का नारा दे ही दिया गया है, घर से बाहर नहीं निकला, एक ये वजह गिनवाई गई, एक वजह ये गिनवाई गई जो आपने झोला भर भर के कांग्रेस और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, तो उसके बाद जो आपका अपना कार्यकर्ता था तो वो काफी उसका मनोबल डाउन नजर आया, तो कैसे बढ़ा होगा ये 10% वोट बैंक? देखिए अपर्णा जी, हमारा कार्यकर्ता तो कार्य कर रहा था ना, जैसे मैंने बताया कि पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, बूथ प्रभारी के रूप में कार्य कर ही रहा था। कांग्रेस की तरफ से जो लगभग 5 से 6 लाख कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद में कांग्रेस के पास ऐसे कार्यकर्ता ही नहीं बचे थे जो लोगों को घरों से निकाल कर जो है वोट डालने के लिए प्रेरित कर पाए। दूसरा, विपक्ष का जो है नकार रहा है, आप बताइए इंडी गठबंधन की मध्य प्रदेश में कितनी रैलियां हुई है। दूसरा, अभी इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इसके पूर्व में जो है कैंडिडेट्स खड़े करने की जब बात हुई थी तब एक कैंडिडेट पे जो है ये सहमति के साथ में खड़े नहीं कर पाए। खजुराहो में इनका कैंडिडेट गलत फॉर्म भर देता है लेकिन जो है दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पे। इंदौर में इनका जो कैंडिडेट जो है भाग जाता है लेकिन दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पे। ये सिर्फ दोषारोपण की राजनीति क्यों करते हैं? जब 2900 सीटों की बात हुई थी निश्चित रूप से जब प्रदेश अध्यक्ष जी से स्वयं कहा गया था कि वे लड़ ले कोई भी सीट चिन्हित करके, लेकिन उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष है उनका खुला स्टेटमेंट आया था कि अगर प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे तब मैं चुनाव लड़ूंगा, यानी वे अगर चुनाव हारेंगे तो मैं चुनाव हारूंगा। उसके बाद पूरी लगभग 2900 सीटों पर आप बताइए ना, इनके बड़े नेता अपनी सीटों पर संरक्षित हो गए, वहीं भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पूरे जो 2900 संसदीय क्षेत्र है वहां पर प्रचार प्रसार, आम जनता को जागरूक करना, इन सब कार्यों में लगी हुई थी। मैं पुनः कहता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अगर 2 वोटर नहीं निकले तो हम इसको मानते हैं कि जो हमारे पास फीडबैक आया कांग्रेस के लगभग 12 वोटर्स वोट डालने नहीं निकले और यही कारण है जो वोट प्रतिशत गिरा है। लेकिन हम पुनः आशान्वित है कि जो वोट प्रतिशत डला है उसमें से लगभग 60% वोट प्रतिशत जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और 4 तारीख को यह प्रदर्शित हो जाएगा। जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सरकार बना रहे हैं तीसरी बार, और दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें, जबकि पहले 2 चरण में खासतौर पर हमने देखा कि किस तरह से
चिंता की लकीरें बीजेपी खेमे में नेताओं के माथे पर दिखाई दी। देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्वयं जो है जिन्होंने इतना परिश्रम किया, तो उसके परिश्रम का परिणाम जो है मुझे लगता है कि वो जिस प्रकार से 2014 का रिजल्ट रहा या 2019 का रहा, वो कहीं ना कहीं उसके आसपास दिखाई बिल्कुल देगा, और उससे बढ़ के भी हो सकता है। लक्ष्य तो बढ़ के ही रखा इन्होंने, और उनकी तपस्या जो कर रहे हैं, तपस्या की ताकत भी वो दिखाई दे रही है जनता के बीच में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं देखिए सारी पार्टियों को आप देखेंगे, आप जब देखेंगे वहाँ पर, तो शीर्ष नेतृत्व को अगर आप वहाँ पर उनकी विवेचना करते हैं तो वो आप दिखाई नहीं देंगे अगर क्षेत्रों के अंदर, तो किस प्रकार से आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे। किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मोहन यादव जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर हों, तमाम मुख्यमंत्री जो इनके रहे हैं वो सिर्फ अपने ही प्रदेश में नहीं रहे। मोहन यादव जी मुझे याद है उत्तर प्रदेश में लगातार उनकी रैलियां रही हैं, और वो जाकर के लगातार रैलियां उत्तर प्रदेश में की हैं। उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ की रैलियां जो है मध्य प्रदेश के अंदर कराई गई, हिमाचल, कर्नाटक, तमाम जगहों पर, गुजरात के अंदर, बावजूद इसके कि वो वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, हमको जो है यहाँ की सीटें जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखनी है, बावजूद उसके वो लोग निकल करके जा रहे हैं। तो जो आदमी गर्मी में पसीना बहा रहा है, जो कार्यकर्ता जिनके जो है गर्मी में पसीना बहा करके पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं बूथ स्तर से, वो कहीं ना कहीं उनको परिश्रम का परिणाम तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो अभी आपके सामने तय हो जाएगा। लेकिन जो लोग पहुंचे ही नहीं, जो लोग गए ही नहीं, जो फील्ड के अंदर दिखाई नहीं दिए, रैलियों से गायब रहे, आपस में गठबंधन में इतनी लड़ाइयां रही, बावजूद उसके जो है फिर भी अगर आपने अगर समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की बात करें, यहां पर अखिलेश यादव जी गठबंधन बनाने के बावजूद कितनी रैलियां की बताइए आप, जमीनी स्तर पर मात्र एक या दो रैलियां वो कर पाए, इसके अलावा कोई भी रैली उनकी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो ये जो खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं नीतियों में जो कमी रही विपक्ष की जो है वो उसको जो है वो और नीचे लेकर के जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसका शीर्ष नेतृत्व लगातार लगा रहा, जिसके अंदर जो है तमाम मुख्यमंत्री कार्यकर्ता, और ऐसा ही नहीं कि जो पीछे कार्यकर्ता थे उनको छोड़ दिया गया। मुझे याद है जो 1999 के चुनाव में लगे थे, मैंने उन कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को पार्टी स्तर पर कार्य करते हुए देखा, क्षेत्र के अंदर देखा, जिनके ऊपर कोई दायित्व तो नहीं था, वो भी पार्टी के साथ खड़े हुए थे। और दुर्भाग्य से मैंने अखिलेश यादव जी या कांग्रेस पार्टी, अब आप देखिए कांग्रेस ने एक अलग बैठक बुलाई है कल सुबह जो है, ये गठबंधन में बैठक नहीं बुला रहे हैं, और आरजेडी ने भी अलग बैठक बुलाई हुई है, गठबंधन की इनकी कोई बैठक नहीं हो रही है। भैया अगर आप गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम आप लोगों को बैठ करके सम्मिलित होकर के एक साथ बात तो करनी चाहिए थी। कल वोटिंग का दिन है, आप लोगों ने अलग अलग अपनी मीटिंग बुला ली है, और उसके बाद भी इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं श्री राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ। आर्य मृणाल जी आपके पास, मृणाल जी, प्रियंका गांधी, सौरभ दुबे जी का कहने का मतलब ये है कि मैच हो रहा है वर्ल्ड कप का, और आपकी जो पार्टी के और अलायंस जो है आपका वो आईपीएल की तरह टीम मीटिंग्स कर रहा है। जवाब, सौरभ जी तो एक तरह से प्रदेश की जनता को ये बता रहे हैं कि केवल चुनाव नहीं, दो साल पहले से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के तौर पे अपना काम भूलकर केवल रैलियां ही कर रहे हैं। कोई इन्होंने सेक्रेटरीज की मीटिंग नहीं ली, भारत सरकार की नीतियां बनाने के लिए कोई बैठक आयोजित की ली, अर्थ नीति कहाँ जा रही है, विदेश नीति कहाँ जा रही है प्रधानमंत्री को जी नहीं पता। केवल वो तो भगवान भला करे कुछ जिम्मेदार आईएएस ऑफिसरों का जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं जिनके कारण देश बचा हुआ है, अन्यथा इस सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो पिछले दो साल से केवल चुनावी पर्यटन ही कर रहे हैं। जो असली जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर वो काम किया होता तो कभी मणिपुर जाते हुए जनता के दुख दर्द को देखते हुए दिखाई देते, कभी मध्य प्रदेश में जो रोज अपराध हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, कभी उसकी समीक्षा करते हुए दिखाई देते, व्यापक घोटालों को सजा दिलाने के बाद मध्य प्रदेश में जो बहुत बड़ा नरसिंह घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके कारिंदों के चलते हुआ है, थोड़ा इसका संज्ञान लेकर थोड़ा इस पर कार्रवाई करते हुए दिखाई देते। एक मौका नहीं रहा है, जिन लोगों की तारीफ सौरभ दुबे जी कर रहे थे उन्होंने अपने वास्तविक राजनीतिक काम को किया हो। प्रचार के लिए बड़े चेहरे क्यों आए छिंदवाड़ा में, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ कमलनाथ तो वहीं तक सीमित रहे, उसके बाद कहां दिखाई दे कमलनाथ? क्या उनके उनके ऊपर जिम्मेदारी से छिंदवाड़ा की ही थी क्या? अगर इतना चुनाव, अच्छा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है तो भाजपा का कांग्रेसीकरण करने की क्या जरूरत थी? दो तीन उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हैं उन्हीं को ये झंडा परचम पहराने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ गई? आज भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर नहीं,
लेकिन कांग्रेस से गए हुए उन चुनिंदा कार्यकर्ताओं के दम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, जो आज भारतीय जनता पार्टी का बेस हो गए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी थोड़े समय पहले भ्रष्टाचारी बता रही थी, आज वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में जाके सदाचारी होके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, और भारतीय पार्टी में पिछले 40 साल से पसीना बहाने वाला आदमी उनकी जिंदाबाद कर रहा है। डॉक्टर व्यास, आप जैसे लोग पार्टी का पक्ष डिबेट में ही रखते रह जाएंगे और सारी क्रीम जो है मलाई वो है जो कांग्रेस से आए कार्यकर्ता नेता है वो ले जाएंगे। देखिए कितना सुंदर उल्लेख करा है मृणाल जी ने, 1951 से 68 के बीच में लगभग 520 विधायक जो अन्यत्र दलों से जो कांग्रेस में चले गए थे, तब सब कुछ लोकतांत्रिक था, लेकिन 1968 में 210 विधायक जब कांग्रेस से टूट के अन्यत्र दलों में गए तो अलोकतांत्रिक हो गया, और यशवंत सिंह जी के जो है नेतृत्व में एक समिति का गठन हो गया जिसको दल बदल समिति कहा गया। अब देखिए कह रहे 2014 के पूर्व में क्या प्रधानमंत्री जी जो है प्रचार प्रसार करने नहीं जाते थे, कांग्रेस का शासन रहा 10 वर्षों तक। अब बताइए ना क्या मनमोहन सिंह साहब उस समय नहीं जाते थे, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है जब प्रधानमंत्री जी प्रचार प्रसार करते हैं निश्चित रूप से तब भी कार्य होता है। अभी आप देखिए फिनटेक की बात हो या जो विश्व पटल पर भारत की बात हो, आज अग्रणी IMF बोल रहा है मोडीज की रैंकिंग है, सभी जितनी रैंकिंग से वो भारत को जो है 6-7% के आसपास दे रही है, तो ये सब हवा में तो नहीं हो रहा है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ट्रेनों का 12 किलोमीटर पर डे हो रहा है, तो ये कार्य हवा में तो नहीं हो रहा है ना। निश्चित रूप से कार्य अपनी गति से चल रहा है, चुनाव प्रचार और प्रसार अपनी गति से चल रहा है, लेकिन समस्या क्या है, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तब भी ये डरेंगे, और जब प्रधानमंत्री जी मौन रहेंगे तब भी ये डरेंगे। जब प्रधानमंत्री जी मौन होकर जाने का काम करेंगे तो कांग्रेस का नेतृत्व जो है डरेगा। आप बताइए ममता बनर्जी डर के बयान दे रही है कि वे मौन क्यों है, कपिल सिब्बल जी जो है मौन पे बयान दे रहे हैं, मनोज झा जी मौन पे बयान दे रहे हैं, अभिषेक मनु संघवी जी जो है बकायदा सरकार मौन पे तो बयान देने दीजिए, कुछ तो कहने दीजिए, विपक्ष है उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है, भूमिका है, क्या वह बोलने पर भी रोक लगा देंगे क्या डॉक्टर? बोलने पर ही तो रोक लगी है, तभी तो ये बोल रहा है। अब वह मौन है तब भी समस्या है, वे बोल रहे थे तब भी समस्या, इतना भय क्यों, भय बिनु प्रीत न होए गोसाई। और जैसा इन्होंने कहा दूसरे दल के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, एक एग्जाम्पल मैंने 1968 का बता दिया, दूसरा एग्जाम्पल जो है अभी राजस्थान का देखिए, लगभग 6 जो है बहुजन समाज पार्टी के नेता। ठीक है, बहुत कम समय बचा जी मृणाल जी। देखिए हिंदुस्तान में एक प्रक्रिया है, लोग कहते थे कि गंगा मैया में स्नान कर लो तो पाप धुल जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ पे एक दिन की साधना कर रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के सम्मेलन में कहा था कि हिंदुस्तान का नुकसान करने वाला अगर कोई सबसे बड़ा राक्षस है तो वो सांप्रदायिकता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी वहां गंगा स्नान करने गए हैं, ईश्वर करे सारे पाप धुल जाए। सौरभ जी से सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी की बात की, इन्होंने इनको पता ही नहीं पीएम मोदी ने कहाँ पर निशाना साध दिया, सीधा सीधा बंगाल की जो है 9 सीटों पर कल जो है वो चुनाव है, और वो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के सामने बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का कितना प्रभाव पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, मैं अर्पणा जी को जानता हूँ, एक महीने बाद मैंने इनको देखा स्टूडियो में पूरे चुनाव प्रचार जब चल रहा था, ये अपने जो है एक एक जिलों में एक एक जगह जाकर के इन्होंने जो है जनता के बीच में बात की। इसीलिए पार्टी की नीतियां बनती हैं, पार्टी के नेता बड़े नेता जनता के बीच में जाकर के बात करते हैं। वो प्रधानमंत्री का अगर जनता के बीच में जाकर के बात कर रहे हैं तो आप उसको भी मजाक समझ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं, आप लोगों के अंदर जो है नीति बनाने की जो कमियां है ना वो साफ तौर पर जो है उजागर हो जाती है कि आपका शीर्ष नेतृत्व काम करता ही नहीं, राज्य का जो नेतृत्व है उसके अंदर आपस की लड़ाई है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे जीतू पटवारी हो, और जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो है आप लोग खुद कंफ्यूज रहे, उस प्रकार से लग रहा है कि कहीं ना कहीं हताशा और निराशा जो है वो विपक्ष के चेहरे पर अभी से दिखाई दे रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की मार्डिबेट में इतना ही समय था, लेकिन अब जनता तय कर चुकी है, और कल भी जो मतदान होना है उसमें जनता ही तय करेगी, और 4 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। और फिलहाल खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।